नमस्कार, स्वागत है सभी का। मोस्ट वेलकम है आप सभी इंडिया के लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म द अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स में। मैं हूं आपका एजुकेटर नीरज पांडे, आप सभी का स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम है आप सभी स्टॉल पीएम के सेशन पर, जहां पर महत्वपूर्ण 12 पीएम के सेशन पर जहां पर महत्वपूर्ण एमसीक्यूज डिस्कस किए जाते हैं, क्योंकि प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो सभी का स्वागत है इस चैनल पर। सेशन को स्टार्ट करूं इसके पहले दोस्तों, यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और साथ ही साथ इसके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं और पूरी की पूरी टीम से सहयोग करें। लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स की ये टीम है जो कि आपको गाइड करती है आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए, और एमपीपीएससी प्री का एमसीक्यू सीरीज भी लेकर के आपके सामने जो है डेली उपस्थित होती है पूरी की पूरी टीम। और साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक इंस्टॉल नहीं की तो इंस्टॉल जरूर कर लें। मोबाइल नंबर गूगल पे स्टोर पे जाकर के और रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन में सिर्फ दो चीजों की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की, और इसके बाद जो है अपना गोल सेलेक्ट कर लेंगे एमपीपीएससी एंड व्यापम। मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका कॉमन गोल होगा, और इस कोड का प्रयोग करके आप अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर किसी भी एजुकेटर की फ्री क्लासेस आप प्राप्त कर सकते हैं। कोड रहेगा PANDEY पांडे। इसके साथ साथ दोस्तों आप सभी को बता दूं कि मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, तो या तो इसी यूट्यूब के चैनल पर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए तो आपको यहां पर जो है मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, इसी लेक्चर की जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप फॉलो जरूर कर लेंगे, या अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर जाकर के सर्च करें और फॉलो जरूर कर लें, क्योंकि आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर यूनिट वाइज टेस्ट भी आपको प्राप्त हो रहा है जो कि डेली 11 बजे से सुबह मिलता है आपको। यूनिट वाइज टेस्ट, आज यूनिट नंबर 8 का टेस्ट हुआ, कल यूनिट नंबर 9 का होगा, और एमपीपीएससी प्री का फुल सिलेबस टेस्ट ये रात में 8:30 बजे से रहता है। ये दोनों टेस्ट बिल्कुल फ्री रहते हैं, तो लाइव जरूर ज्वाइन करें, और इसके अलावा रिकॉर्डेड सेशन भी मेरी प्रोफाइल पर देख सकते हैं। कोड है फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए PANDEY। अनअकैडमी स्कॉलरशिप असेसमेंट टेस्ट, इसका भी फायदा सभी लोग उठा सकते हैं, क्विजेज का फायदा उठा सकते हैं, टेस्ट का फायदा उठा सकते हैं, इस कोड का प्रयोग करके अनलॉक कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आपको दो प्रकार के कोर्सेज प्राप्त होते हैं, फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस। फ्री क्लासेस एंड प्लस क्लासेस में क्या डिफरेंस होता है आप देख सकते हैं। एक मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कंप्लीट बैच ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी के प्लस के सब्सक्रिप्शन के माध्यम से, जिसके माध्यम से सभी एजुकेटर्स, अलग अलग टॉप एजुकेटर्स आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट अलग अलग मीन्स सब्जेक्ट के साथ आपके साथ उपस्थित होते हैं। किसी एजुकेटर की भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के कोई भी बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने एक स्ट्रक्चर पे में अपनी तैयारी कर सकते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन भी आपको मिलते हैं, अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स भी मिलते हैं, मॉक टेस्ट भी मिलता है, आंसर राइटिंग सीरीज, और ये सब कुछ एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में। हर हफ्ते एक किसी भी जो है हर हफ्ते एक नया बैच लॉन्च होता है, किसी भी बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे वो प्री का हो, मेंस का हो, आंसर राइटिंग का हो, प्री प्लस मेंस प्लस आंसर राइटिंग का हो, या व्यापम का कोई भी एग्जाम का बैच हो। तो यदि आपने सब्सक्रिप्शन नहीं किया तो ये आपका कोड है PANDEY रेफरल कोड, इसको टाइप करें, टाइप करने के बाद अप्लाई करें। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। बहुत ही किफायती सब्सक्रिप्शन है, लेकिन सब्सक्रिप्शन के चार्जेज जो है प्राइजेज हाइक होने वाली है, इसके पहले हाइक हो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साथ साथ ये लिमिटेड पीरियड ऑफर भी है, जिसमें 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ्स का आपको सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो इसका फायदा सभी लोग उठाएं। और एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी के जो प्राइजेज हैं वो बढ़ने वाली हैं, कॉमन सब्सक्रिप्शन है, आपको अलग अलग सब्सक्राइब नहीं करना है, तो ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ये एथिक्स का कोर्स आप सभी के लिए सुबह 9 बजे से रहता है प्लस पर, एमपीपीएससी मेंस के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल है, तो इसका भी फायदा सभी लोग जरूर उठा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये 12 PM पर संपूर्ण जीके सभी परीक्षाओं के लिए, खासकर एमपीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहता है, तो सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। गुड आफ्टरनून, नमस्कार, मोस्ट वेलकम है सभी, गुड आफ्टरनून। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। हेलो हेलो, चलिए पहला क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देंगे। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान, आंसर होगा इसका नीरी, अवस्थित है कहां पर? नेशनल एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट नागपुर में अवस्थित है, महाराष्ट्र में। नमस्कार, सभी का स्वागत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मध्य प्रदेश राज्य का गठन आपको बताना है कब हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन आंसर होगा इसका 1 नवंबर 1956 को। बिल्कुल सही है, मध्य भारत सीपी बरार और इसके साथ साथ विंध्य प्रदेश और भोपाल स्टेट को मिलाकर के मध्य मध्य प्रदेश का गठन हुआ। नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून, मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स हैज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया। जल ग्रहण क्षेत्र, कैचमेंट एरिया सबसे ज्यादा है। आंसर होगा इसका डी, दैट इज गोदावरी। आंसर होगा इसका डी, गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैचमेंट एरिया सबसे बड़ा है गोदावरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पर्टिकुलर नदियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो इनमें से किससे जुड़े होते हैं और अन्य कंप्यूटर को रिसोर्सेस प्रोवाइड करते हैं, संसाधन प्रदान करते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्सेस टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ। सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जो नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड कंप्यूटर्स अन्य कंप्यूटर्स को जो है संसाधन रिसोर्सेस प्रोवाइड करता है। आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सचिवालय भवन को किस नाम से जाना जाता है? सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग ऑफ मध्य प्रदेश इज नोन एज। मध्य प्रदेश का सचिवालय भवन, विंध्याचल भवन, सतपुड़ा भवन, विंध्याचल भवन या बल्लभ भवन। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका सी। ध्यान से सुनिएगा, मेरी सभी भवन के बारे में मैं बता देता हूं आपको। बल्लभ भवन सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग है, सचिवालय भवन, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन जो है वो क्या है, सतपुड़ा भवन और विंध्याचल भवन डायरेक्टोरियल बिल्डिंग है, निदेशालय भवन बोला जाता है। इसके अलावा इंदिरा गांधी भवन विधानसभा की नई बिल्डिंग है जहां पर वर्तमान में विधानसभा लगती है, और इसके साथ साथ मिंटो हॉल, मिंटो हॉल जो है पुरानी विधानसभा बिल्डिंग है, और साथ ही साथ जो है आपके राजभवन, राजभवन राजपाल का निवास स्थल है जो कि भोपाल में ही अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन संरक्षण अधिनियम कब किस वर्ष में लागू किया गया? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट इनेक्टेड इन विच ईयर। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट कब इनेक्ट किया गया? आंसर होगा इसका 1980। 1980 में, बिल्कुल सही है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का है, लेकिन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है ये 1980 का। तो आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक हाल ही में किस शहर में खोला गया है? द फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक ऑफ इंडिया वॉज रिसेंटली ओपेंड इन विच सिटी। भारत का पहला ई क्लिनिक, कचरा क्लिनिक, आंसर होगा इसका सी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री पार्क है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडियाज फर्स्ट नेशनल मैरीन पार्क। भारत का पहला समुद्री पार्क बताना है। आंसर होगा इसका बी, दैट इज मैरीन नेशनल पार्क, जो कि 1972 में, सॉरी 1982 में खोला गया मैरीन नेशनल पार्क। आंसर होगा इसका कच्छ की खाड़ी में अवस्थित मैरीन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु घनत्व सबसे ज्यादा किस जिले में है? द हाइएस्ट लिव स्टॉक डेंसिटी इज फाउंड इन। हाईएस्ट लिव स्टॉक डेंसिटी आंसर होगा इसका, आंसर इसका डी। सबसे ज्यादा जो पशु जन घनत्व पाया जाता है वो टीकमगढ़ में है, 194 पशु प्रति स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन घनत्व पूछा गया है, सबसे ज्यादा मीन्स पशुओं की संख्या नहीं पूछी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। हु आर द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया।
आंसर होगा इसका सुकुमार सेन, भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। और यदि महिला पूछी जाए, महिला निर्वाचन आयुक्त पहली, तो आंसर होगा उसका क्या, वी एस रमा देवी, आंसर होगा इसका यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपक्ष के नेता के रूप में राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद की जगह किसने ली। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, हु रिप्लेस्ड गुलाम नबी आजाद इन राज्यसभा एज द लीडर ऑफ अपोजिशन, एज द लीडर ऑफ अपोजिशन। आंसर होगा इसका डी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा के बने हैं, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। जुड़ने की प्रक्रिया को लॉगिन कहा जाता है, आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा इसका सी। जिन्होंने ए आंसर दिया है वो सिंग इन लिखा हुआ है, साइन इन नहीं लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वाधिक मंगोल हमलों का सामना किया। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत फेस्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स, फेस्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ मंगोल अटैक्स। आंसर होगा इसका 13th क्वेश्चन, आंसर होगा इसका ए, आंसर होगा इसका ए। फिर जिससे बचने के लिए जो है सिरी को राजधानी बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की पहली महिला जो विधानसभा में विपक्ष की नेता रही, द फर्स्ट वुमेन हु सर्व द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका डी, जमुना देवी, पहली और एकमात्र विपक्ष की नेता, महिला विपक्ष की नेता, आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड बाय विच अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 10वीं अनुसूची को संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आंसर होगा इसका बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, हिंदी में नहीं ले सही लिखा है, आंसर होगा इसका बी, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985। 52nd। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित भागों में से किसमें कल्याणकारी राज्य की अवधारणा शामिल है। विच अमंग द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, आंसर होगा इसका बिल्कुल सही है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, संविधान के भाग 4 में दिए गए नीति निर्देशक तत्व के सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नमस्कार, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी किसे कहा जाता है, एनर्जी कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश, आंसर होगा इसका डी, सिंगरौली, विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट प्रमुख रूप से बैढ़न में अवस्थित है और इसी वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, व्हेन द नीति आयोग एस्टैब्लिश्ड, नीति आयोग की स्थापना कब हुई आपको बताना है, 4 तिथियों में से, आंसर होगा इसका 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग एक थिंक टैंक बॉडी के रूप में इसकी स्थापना हुई, आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जगदीश चौरसिया जी, दिस इज माय फर्स्ट क्लास, मोस्ट वेलकम डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, आंसर होगा इसका विष्णु विनायक सरवटे और तामस्कर जी विपक्ष के नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन का नाम हिंदू देवी श्यामला देवी के नाम पर रखा गया है? Which of the following hill stations is named after the Hindu goddess Shyamala Devi? MP India ji, most welcome dear. आंसर होगा इसका सी शिमला, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी भी है. आंसर होगा इसका सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, राउटर क्या है आपको बताना है. व्हाट इज राउटर? राउटर क्या है? चलिए बिल्कुल सही. नेट डिस्ट्रीब्यूट्स नेटवर्क्स बिटवीन डिस्ट्रीब्यूट्स इंफॉर्मेशन बिटवीन नेटवर्क्स, नेटवर्क्स के विभिन्न भागों को जानकारी वितरित करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में जेजाक भुक्ति के रूप में जाना जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज नोन एज जेजाक भुक्ति इन अर्ली मेडाइवल इंडिया? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में चेजाक भुक्ति के नाम से जाना जाता था? आंसर होगा इसका बी बुंदेलखंड का क्षेत्र. आंसर है बी बुंदेलखंड, बिल्कुल सही. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. मढ़ई के जंगल मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जैव मंडल का हिस्सा है? मढ़ई फॉरेस्ट आर पार्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग बायोस्फीयर्स इन मध्य प्रदेश? मढ़ई के जंगल मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जैव मंडल का हिस्सा है? 23वां क्वेश्चन, आंसर होगा इसका सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का पार्ट. आंसर होगा इसका सी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, होशंगाबाद में स्थित. नेक्स्ट क्वेश्चन, एयरलेंस माइनस कोरोना करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. दैट वाज सीन इन न्यूज रिसेंटली, ये क्या है? एयरलेंस माइनस कोरोना, आंसर होगा इसका बी एक डिसइंफेक्टेंट रोबोट है, निसंक्रामक रोबोट है. कोरोना के समय इसका जो है मेनली इसका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि ये ट्रेवल कर सकता है. आंसर होगा इसका बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसइंफेक्टेंट रोबोट. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड फर्स्ट टाइगर सेंसस वॉज कैरिड आउट इन 1932? भारत के निम्नलिखित में से किस वन में विश्व की पहली बाघ जनगणना 1932 में की गई थी? किस फॉरेस्ट में? आंसर होगा इसका पलामू फॉरेस्ट झारखंड में अवस्थित है. 1932 में यहां पर जो है पहली बाघ जनगणना की गई थी. आंसर होगा इसका डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ही लोगों ने सही आंसर दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय इज सिचुएटेड इन, महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है? 26th क्वेश्चन, आंसर होगा इसका डी, सॉरी आंसर इसका डी, सतना जिले के चित्रकूट में अवस्थित है महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय. 1991 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से भारत में मदरसों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के दायरे में बाहर रखने में मदद की? किस अनुच्छेद ने विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स हेल्प द मदरसाज इन इंडिया टू रिमेन आउट ऑफ द परव्यू ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट? 27th क्वेश्चन, आंसर होगा इसका अल्पसंख्यकों के शिक्षा संबंधी अधिकार. आंसर होगा इसका डी अनुच्छेद 30. गुड आफ्टरनून, नमस्कार. आर्टिकल 30. नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? व्हेन द रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी वाज एस्टैब्लिश्ड? रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई आपको बताना है.
चलिए बिल्कुल सही आंसर है इसका, आंसर इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीजापुर राज्य के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? हु आर द फाउंड हु आर द फॉलोइंग हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बीजापुर स्टेट? बीजापुर राज्य के संस्थापक। 29th क्वेश्चन है आपके सामने। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन, और आंसर जो होगा इसका ए, यूसुफ आदिल शाह। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका ए, यूसुफ आदिल शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट उपग्रह में डाटा भेजने से संबंधित द टर्म रिलेटिंग टू सेंडिंग डेटा टू अ सैटेलाइट। 30th क्वेश्चन, आंसर होगा इसका डी, अपलिंक, मिस भेजना, तो आंसर होगा इसका अपलिंक, वहां से आए तो दैट मीन्स डाउनलिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित राष्ट्रीय खेल 2000 पुरस्कार 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने जीतने वाले पैरा एथलेटिक का नाम बताना है। पैरा एथलेटिक का नाम बताना है। इसका आंसर जो है 31st क्वेश्चन का आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका सी, दैट इज मरियप्पन टी, आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसका आंसर हम लोगों ने, थोड़ा सा पीछे चलते हैं और ये 1964 नहीं है, ये 1957 है, 1957 है, 56 के एक्ट के तहत ये एस्टेब्लिश हुई, तो आंसर होगा इसका 57। प्लीज इसको सही कर लेंगे, किसी ने एक ने सही दिया है शायद, उसका आंसर 57 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष, द फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष बताना है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर जो है, आंसर होगा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के पहले अध्यक्ष, आंसर होगा इसका बी, दैट इज जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता, आंसर होगा इसका सी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा धोने वाले थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर अवस्थित है? दादा धोने वाले थर्मल पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन, दादा धोने वाले थर्मल पावर प्लांट, आंसर होगा इसका, आंसर इसका डी, खंडवा जिले में अवस्थित है दादा धोने वाले थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट कम इनटू फोर्स ऑन नवंबर 26, 1949। 26 नवंबर 1949 को, 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, उसमें से कुछ प्रोविजंस लागू कर दिए गए थे, बाकी पूरा संविधान 1950 को लागू हुआ 26 जनवरी। इसमें से कौन सा बताना है, जो कौन सा प्रावधान लागू नहीं हुआ? आंसर होगा इसका सी, आंसर होगा इसका सी, इलेक्शन से संबंधित सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रोविजन जो है लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्शन से प्रोविजन संबंधित प्रोविजन लागू हो गए थे, नागरिकता से संबंधित प्रोविजन लागू हो गए थे, तदर्थ संसद से संबंधित प्रोविजन लागू हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ न्यू चंद्रयान 3 प्रोजेक्ट एज पर द अनाउंसमेंट ऑफ इसरो? नए चंद्रयान परियोजना की अनुमानित लागत क्या है? आंसर होगा इसका ए, लगभग 615 करोड़ रुपए, आंसर होगा इसका ए, 615 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा मुंज
राजा मुंज किस वंश के प्रतापी राजा रहे? राजा मुंज हैज बीन द ग्लोरियस किंग ऑफ विच डायनेस्टी? राजा मुंज हैज बीन द ग्लोरियस किंग ऑफ विच डायनेस्टी? आंसर होगा इसका परमार वंश के प्रतापी राजा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई आल्हा खंड की विषय वस्तु है जो हिंदी में 12वीं शताब्दी की महाकाव्य कृति है? विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ आल्हा खंड, अ 12th सेंचुरी एपिक पोएट्रिक वर्क इन हिंदी? आंसर होगा इसका बैटल ऑफ महोबा। आंसर होगा इसका 37 का सी, बैटल ऑफ महोबा। ये जो है जगनिक ने परिमल रासो की रचना की है, जिसमें एक खंड है आल्हा खंड, उसमें आल्हा और उदल दो भाइयों के शौर्य गाथा का वर्णन किया गया है, वैलोरिस क्वालिटी का वर्णन किया गया है, डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिल्पारा देवलोद झिन्ना किस प्रोजेक्ट से संबंधित है? शिल्पारा देवलोद झिन्ना इज रिलेटेड टू विच प्रोजेक्ट? आंसर होगा इसका सी, दैट इज बाण सागर प्रोजेक्ट से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोन नदी पर वर्ष 2021 में 36वां भारतीय राष्ट्रीय खेल राज्य वर्ष 2021 में 36वां भारतीय राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किया जाना है? 36th इंडियन नेशनल गेम्स इन द ईयर 2021 विल बी हेल्ड इन? प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? द फेमस बुक गुलामगिरी वाज रिटन बाय आंसर होगा इसका ज्योतिबा फूले के द्वारा, बिल्कुल सही। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा प्लांट का हाल ही में उद्घाटन किस तिथि को हुआ? रिसेंटली एशियाज लार्जेस्ट सोलर पावर प्लांट वाज इनॉग्रेटेड इन विच डेट? दोस्तों ध्यान रखना है, अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर बिल्कुल फ्री टेस्ट चल रहे हैं, यूनिट वाइज टेस्ट भी चल रहा है और फुल सिलेबस टेस्ट भी। वहां पर लीडर बोर्ड के माध्यम से आपकी रैंकिंग प्रदर्शित होगी, तो आप सभी लोग जरूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है। इस कोड का प्रयोग करके उस टेस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, तो एक बार जाकर के फॉलो जरूर कर लेंगे और जिससे आपको समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ध्यान रखना है, नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, सुबह 11 बजे से यूनिट वाइज टेस्ट रहता है और रात में 8:30 बजे से फुल सिलेबस टेस्ट। ठीक है, ज्वाइन कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था यामिनी गुप्ता जी, एक बार मैं लास्ट में भी बता दूंगा, आप ध्यान से अभी रुकेंगे, मैं जरूर बता दूंगा। फॉलो करने से आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, नोटिफिकेशन। चलिए मोस्ट वेलकम नेहा पांतेल जी, इसका जल्दी से बताना है। 42वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका डी, नगर पालिका का अनुपचारित अवशिष्ट जल, अनट्रीटेड म्यूनिसिपल वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी गुप्ता जी आपने फॉलो किया, आपको नोटिफिकेशन भी आता होगा, अदरवाइज मैं लास्ट में आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करेंगे आप, कोई बात नहीं मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत कब हुई? व्हेन द लाडली लक्ष्मी योजना स्टार्टेड? बिल्कुल सही आंसर होगा इसका बी, दैट इज 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियट्री भारत का पहला केंद्रीय गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान कहां पर अवस्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकियट्री इंडियाज प्रीमियर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ इज लोकेटेड एट? आंसर होगा इसका सी, रांची में अवस्थित है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्थान रांची में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पुस्तक
बृहत कथा ये किसकी किसके द्वारा लिखी गई फेमस बुक है बृहत कथा। आंसर होगा इसका गुणाढ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। सातवाहन वंश के ये समय पर उनके दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। गन कैरिज फैक्ट्री मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। द गन कैरिज फैक्ट्री इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर होगा इसका गन कैरिज फैक्ट्री अवस्थित है कहां पर, जबलपुर में। दैट इज आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के हु आर द इंटरिम प्रेसिडेंट। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे, इंटरिम प्रेसिडेंट। अंतरिम अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बिल्कुल सही है, टेम्पररी कह सकते हैं, अस्थायी रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली कॉटन मिल कहां पर स्थापित हुई थी। द फर्स्ट कॉटन मिल ऑफ मध्य प्रदेश वाज एस्टेब्लिश्ड इन। मध्य प्रदेश की पहली कॉटन मिल कहां पर स्थापित हुई थी। आंसर होगा इसका बुरहानपुर में 1806 में। आंसर होगा इसका बुरहानपुर। फिर 1807 में दूसरी स्थापित हुई इंदौर में मालवा मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के में केले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यामिनी गुप्ता जी, इंटरिम प्रेसिडेंट मीन्स अस्थायी, टेम्पोरी, जो कि परमानेंट नहीं थे, फिर पहली बैठक के लिए बनाए गए थे। Which of the following states is the largest producer of banana? Answer होगा इसका D, Tamil Nadu. Answer इसका D, Tamil Nadu. Next question. बॉम्बे में बहराम जी मालाबारी ने निम्नलिखित में से किस संगठन को शुरू किया था। Which among the following organizations was started by बहराम जी मालाबारी in Bombay? आंसर होगा इसका बी, सेवा सदन की शुरुआत की थी 1885 में। ये एक जो है पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सेस की विधि जिसमें फोन लाइन की आवश्यकता होती है लेकिन डायल अप की तुलना में तेज स्पीड प्रदान करता है। द मेथड ऑफ इंटरनेट एक्सेस दैट रिक्वायर्स अ फोन लाइन बट ऑफर्स अ फास्टर स्पीड्स दैन डायल अप। फोन लाइन की आवश्यकता, तो फोन लाइन की आवश्यकता आंसर होगा इसका सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। आंसर होगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी उत्पादन में भारत की वैश्विक रैंक क्या है। व्हाट इज द इंडियाज ग्लोबल रैंक इन सुगर प्रोडक्शन। सुगर प्रोडक्शन में भारत की रैंक क्या है, दूसरी रैंक है, पहला ब्राजील है। आंसर होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमरमर के पहाड़ बंदर कूदनी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित हैं। बंदर कूदनी द मार्बल मॉन्यूमेंट्स इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। आंसर होगा इसका डी, जबलपुर। बिल्कुल सही है, आंसर होगा इसका डी, जबलपुर, भेड़ाघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब हुआ। When the Commission for Protection of Child Rights was constituted? 54th question, Protection of Child Rights. आंसर होगा इसका 5 मार्च 2007 को। आंसर इसका सी, 5 मार्च, 5th मार्च 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में समाचारों में देखे जाने वाले किस संगठन ने मनी ऐप लॉन्च किया है।
Which organization has launched the money app seen in news recently? आंसर होगा इसका ए, विजुअली चैलेंज्ड पर्संस के लिए करेंसी नोट्स की पहचान करने के आइडेंटिफाई करने के लिए आरबीआई ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नून माटी का स्थान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? नून माटी इज रिलेटेड टू विच अमंग द फॉलोइंग? आंसर होगा इसका बी, पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को असम में यह पर्टिकुलर स्थान अवस्थित है। एक रिफाइनरी जो है, फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी कमीशन की जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, दीवान मणिराम दत्त 1857 के क्रांतिकारियों के एक नेता थे जो निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित थे। दीवान मणिराम दत्त, आंसर होगा इसका डी, असम के नेता थे, असम राज्य से संबंधित। आंसर इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, द्रोणाचार्य पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन फॉर द एक्सीलेंस इन द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा इसका डी, स्पोर्ट्स कोचिंग के। बिल्कुल सही आंसर इसका डी, स्पोर्ट्स कोचिंग, खेल प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जावर की खदानें किस राज्य में स्थित हैं? जावर माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट? फिफ्टी नाइन्थ क्वेश्चन, आंसर होगा इसका ए, राजस्थान में जावर माइंस। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? बिल्कुल सही, देखिए एजाइन इंस्टीट्यूट तो 2008 में हुई थी, एजाइन इंस्टीट्यूट संस्थान के रूप में, लेकिन एक विश्वविद्यालय के रूप में 2015 में। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ध्यान रखना है ये 12 बजे से क्लास आपको डेली मिलती है इसी YouTube के चैनल पर, सभी लोग जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों ये अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर फ्री टेस्ट चल रहे हैं 11 बजे से और शाम को 8:30 बजे से। अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक यूनिट वाइज टेस्ट होता है 11 बजे से सुबह, और MPPSC प्री का फुल सिलेबस टेस्ट होता है रात में 8:30 बजे से। आज 11 बजे से यूनिट नंबर 8th का टेस्ट हुआ है, कल यूनिट नंबर 9th का होगा और परसों यूनिट नंबर 10th का। बिल्कुल फ्री टेस्ट है ये, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। नहीं नेहा पंतेल जी, 4 बजे वाली क्लास 2-3 दिनों में स्टार्ट होगी, अभी नहीं है, बिल्कुल फ्री टेस्ट है। तो जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि सुबह 11 बजे से और रात में 8:30 बजे से। मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से, तो आप लोग एक बार जाकर के फॉलो जरूर कर लेंगे। और जिन्हें नहीं पता कि कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपको बता देता हूं प्रक्रिया। सबसे पहले अनअकैडमी की लर्निंग ऐप जिन्होंने नहीं इंस्टॉल की, इंस्टॉल कर लें, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। गूगल प्ले स्टोर पर आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप सर्च करना है, इंस्टॉल कर लेना है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन कर लेना है मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से, और गोल सेलेक्ट कर लेना है MPPSC एंड व्यापम। इसके बाद एक अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर एक सर्च बॉक्स दिखेगा, वहां पर सर्च करेंगे नीरज पांडे, मेरी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल खुलते ही आप फॉलो कर लें, और प्रोफाइल में आप देखेंगे स्पेशल क्लासेस के नाम से क्लास है। यामिनी गुप्ता जी, आपने पूछा था कैसे ज्वाइन करना है, मैं आपको बता देता हूँ, मेरी प्रोफाइल में चाहिए, वहां पर स्पेशल क्लासेस के नाम से क्लास होंगी, उस स्पेशल क्लासेस पर क्लिक कीजिएगा, सी ऑल करेंगे, सी ऑल, और सी ऑल में चाहेंगे तो क्लास आज रात की शेड्यूल्ड है, तो आपको दिख जाएगी, सबसे ऊपर दिखेगी आपको आज रात में 8:30 बजे वाली क्लास, तो वहां पर उसके ऊपर क्लिक करेंगे, नोटिफाई मी कर देंगे, तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और उसी क्लास में फिर से प्रोफाइल में जाकर के आप वैसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज एक दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ जिनको नहीं पता, 8:30 बजे टेस्ट है,
8:25 में लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर एक लिंक आ जाएगी, मीन्स 8:20 से लेकर के 8:30 के बीच में एक लिंक आएगी, जो उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली टेस्ट को आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम्स जो ये यूट्यूब का चैनल है, उसका एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पर लिंक आपको मिल जाएगी उस क्लास की, क्लास शुरू होने के पहले। इसके अलावा ये एथिक्स की क्लास है, सुबह 9 बजे से रहती है प्लस पर, अनअकैडमी के प्लस पर, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, ये रेफरल कोड का यूज करें PANDEY, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो सके। सब्सक्रिप्शन के जो चार्जेज हैं वो हाइक होने वाले हैं बहुत जल्दी, तो इसके पहले की हाइक हो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी ऑफर भी चल रहा है जिसमें 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेने पर 2 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा, तो सभी लोग इसका फायदा जरूर उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच आप सभी को।